हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. दिस इज़ राजकमल फ्रॉम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एजुकेशन हब. टुडे आई वांट टू गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक PMMC. दिस इज़ पार्ट टू. इन पार्ट टू आई विल डिस्कस द टॉर्क एक्सप्रेशन फॉर PMMC. ओके, नाउ द टॉर्क एक्सप्रेशन फॉर PMMC इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लॉ वी नो दैट एफ इज इक्वल टू NbIL. जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप सब भी जानते हैं कि जो फोर्स डेवलप होता है किसी कंडक्टर पे वो NbIL होता है, जहाँ पे N जो है आपके क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, B है फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप, I है करंट इन द मूवेबल कॉइल जो उस पर्टिकुलर रेंज यानी दो पोलों के बीच जो मूव करता है उसके अंदर जो कॉइल्स होते हैं उसमें कंडक्टर, एंड लेंथ होते हैं दी लेंथ ऑफ दी कॉइल. ओके, अगर आप लेंथ की बा अगर आप टॉर्क की बात कर रहे हो तो टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है कि PMMC में टॉर्क क्या होता है. तो टॉर्क के लिए अगर डिस्कस करते हो तो टॉर्क क्या होते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना. ये दोनों क्या प्रोवाइड करता है आपको, टॉर्क. तो टॉर्क के एक्सप्रेशन को देखूं अगर, ओके, टॉर्क के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है, देखें कि टॉर्क ऑन लेफ्ट साइड एंड टॉर्क ऑन राइट साइड ऑफ द सिलेंडर कॉइल इज़. तो टॉर्क लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए तीनों ने किया एफ इंटू डिस्टेंस, और एफ प्लस एफ इंटू डिस्टेंस यानी लेफ्ट साइड के लिए एफ एंड डिस्टेंस एंड दिस इज ओके. तो टॉर्क की बात में मैंने किया तो यहाँ पे देखिए कि टॉर्क जो लिखा हुआ है, टॉर्क इसमें फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू, इन्होंने एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड के लिए क्या किया, इनको देखता हूँ मैं एक बार कि एक्चुअली जो टॉप व्यू आपको दिखता है वो PMMC का टॉप व्यू ये कुछ दिखता है आपको. तो इस टॉप व्यू में एक पोल होते हैं एन पोल और दूसरा पोल होते हैं एस पोल. तो इसके इसी पे पॉइंटर जो लगे होते हैं तो इसका दो सेक्शन किया गया. ये जो यहाँ पे इसके कोर्स होते हैं और जिस पे आपके लपेटे होते हैं, यहाँ पे जो कॉइल लपेटे होते हैं, तो इसके बारे में बताया गया. यहाँ से ये जो रेंज है इसका टोटल W है, और यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो L है. तो अगर W टोटल है यहाँ से यहाँ का रेंज, अगर मैं देखूँ इस कॉइल के लिए, ये देखना आप कि अगर ये कोई सिलेंड्रिकल कॉइल था तो यहाँ से यहाँ का रेंज अगर W है तो हाफ रेंज के लिए अगर डिस्कस करें तो क्या होगा, W/2 और W/2. तो इसीलिए और हाफ टॉर्क, टॉर्क का जैसे अब मैंने आपको पहले भी प्रिंसिपल वर्किंग बता दिया किस तरह काम कर रहा है, तो इस N पोल पे जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में और S पोल पे जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में. तो दोनों टॉर्क को हमने किया कि आधा आधा सेक्शन में किया, लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड. तो यानी एक लेफ्ट साइड के लिए हमने अगर डिस्कस करा तो वो है एफ इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू डिस्टेंस. तो दोनों हाफ हाफ सेक्शन के लिए हो गए. और यहाँ पे देखते हैं तो टोटल टॉर्क क्या होगा, तो एफ इंटू टोटल डिस्टेंस. तो एफ इक्वल टू, मैं जान ही रहा हूँ क्या है, BIN इंटू, अब ये W जो है आपका क्या है, W, अगर W को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, एक लेंथ इंटू W, दोनों मिलके क्या दे रहा है, एक एरिया दिया यहाँ पे ए. तो क्या बन गया, BIN इंटू ए. ये रहा टॉर्क एक्सप्रेशन. ओके, तो ये जो टॉर्क डेवलप होता है किसी PMMC इंस्ट्रूमेंट में, ये जो आपका टॉर्क डेवलप हो रहा है यही टॉर्क होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया जब भी टॉर्क डेवलप हुआ. जैसे एमीटर होगा तो एमीटर में आपने किसी को कनेक्ट करते हो तो उसमें करंट इनर्जाइज होता है कॉइल, तो जो टॉर्क डेवलप हुआ जिससे पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है कोई भी, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहलाता है. अब देखता हूँ मैं, ये तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया अपने पास. और नेक्स्ट है, इस टॉर्क के बाद अगर मैं देखूं तो हमारे पास आता है कि रिलेशन क्या होगा टॉर्क का, जो टॉर्क प्रोडक्शन होगा यानी टॉर्क से के कारण डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर में, तो उनके कारण क्या रिलेशन है, यानी मैं कह सकता हूं कि करंट का ये डिफ्लेक्शन से पॉइंटर से क्या रिलेशन होता है थीटा, यानी क्या रिलेशन होगा. तो उसके लिए मैं एक्सप्रेशन नेक्स्ट आगे देखता हूँ.
इसके अंदर क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क आपको देख रहा है यहाँ पे कि कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू टी सी, यानी टी सी इज इक्वल टू के सी इंटू थीटा। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया हूँ, जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूरा एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में। उनको आप अच्छे से रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो, ताकि क्लियर हो जाए। अब ये कंट्रोलिंग टॉर्क है क्या, एक्चुअली क्या होता है, जब किसी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे एमीटर का कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर जो पॉइंटर्स होते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अगर कोई पॉइंटर है, ये स्केल है, तो पॉइंटर के रिगार्डिंग मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर ये डिफ्लेक्शन होगा, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है जब भी, तो ये रीडिंग देता है, या रीडिंग 0, 1, 2, 3 एम्पियर वाट एवर जो भी है, तो उसको अगर ये पॉइंटर कहीं जाके सपोज दैट 3 एम्पियर पे रुक रहा है, इसका मतलब इसको कोई अपोज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इधर से आ रहा है, तो कोई अपोज करने वाला यहाँ पे है कंट्रोलिंग टॉर्क, जब भी तो वो इसके 3 एम्पियर पे आके रोक रहा है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये कंट्रोलिंग टॉर्क जो प्रोवाइड किया जाता है वो स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, जो कि आपका ये रहा कंट्रोलिंग टॉर्क के सी इक्वल टू थीटा। तो अगर कोई पॉइंटर किसी रीडिंग पे 3 एम्पियर रीडिंग पे आके रुक रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उतना ही होगा जितना कंट्रोलिंग टॉर्क उसको अपोज करके रोक चुका है। इसका मतलब है कि अगर आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई करंट पॉइंटर किसी पॉइंट पर रुक चुका है आके 2 एम्पियर या 4 एम्पियर वाट एवर, इसका मतलब होगा कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर कर हो चुका है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने ये निकाल रखा है, कंट्रोलिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन ये निकाल रखा है। तो इसमें देखें कि वेरिएबल कौन सा है, तो BIN A बीना में हमारा बी को फ्लक्स डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स उस इंस्ट्रूमेंट में कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, करंट, यानी किसी वायर के थ्रू इंस्ट्रूमेंट जो में करंट जो जाएगा, वो जो मेजर करेगा, वही वेरिएबल है, बाकी सारे एलिमेंट कांस्टेंट है। और टी सी इज इक्वल टू थीटा में अब मैं देखूँ कि कोई स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग किसी को कंट्रोल करते करते किस पॉइंट पर जाके रुक चुका है, तो वो यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, पर थीटा क्या है, थीटा वेरिएबल है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन देखूँ अगर, तो ये एक्सप्रेशन ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे अगर इसको एक प्रोपोर्शनल करूँ तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये इसका मतलब है लीनियर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जैसे एक्स इज इक्वल टू वाई, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन को, अगर वाई इंक्रीज करेगा तो एक्स भी इंक्रीज करेगा, सिमिलरली थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई एक्सप्रेशन, यानी कहने का मतलब कि किसी सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू राइज करेगा तो पॉइंटर भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कि किसका स्केल लीनियर होता है, तो PMMC टाइप के इंस्ट्रूमेंट का स्केल जो होता है वो लीनियर होता है। लीनियरिटी को मैं कैसे डिफाइन करूँगा यहाँ पर देखता हूँ, चूँकि अगर कोई स्केल अगर आपसे बोला जाता है कि लीनियर स्केल है, इसका मतलब है कि जो पॉइंटर, ये जो है पॉइंटर और ये इसकी स्केल है, तो यहाँ पे यह स्केल का गैप जो है वो बराबर होगा, जैसे 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो ये जो गैप इसके बीच है वही गैप इसके बीच होगा, यही गैप इसके बीच, तो सबका गैप यूनिफॉर्म है, ये गैप यूनिफॉर्म है, ये गैप उतना ही डिस्टेंस है, इस गैप का गैप डिस्टेंस उतना ही, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर पॉइंट ये हो 1, 2, 3 सब यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे, यानी एक समान गैप पे प्रेजेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल, यूनिफॉर्म स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि किसका स्केल जो है लीनियर होता है, तो PMC टाइप इंस्ट्रूमेंट के स्केल लीनियर होते हैं। ओके नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेज, तो PMMC के क्या एडवांटेज हैं, तो सबसे पहले अभी मैंने देखा कि लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल कहने का मतलब होता है इसकी लीनियरिटी, लीनियरिटी मतलब कि आपका जो स्केल है वो लीनियर है ना, नॉन लीनियर में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ये लीनियर होना किसी स्केल के बेस्ट होता है। दूसरा पॉइंट है कंज्यूम लेस पावर सो हाई एक्यूरेसी, PMMC की एक्यूरेसी हाई होती है क्योंकि पावर लेस होता है, कंज्यूम करता है ये। नेक्स्ट है टॉर्क पर वेट रेशियो शुड बी हाई, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क पर वेट रेशियो हाई होना चाहिए, यानी टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उस सिस्टम का वेट कम होना चाहिए, तो टॉर्क पर वेट रेशियो इसका हाई होता है PMMC का। नो लॉस ड्यू टू हाई स्ट्रेसिस,
हिस्टैरिसीस कारण कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डीसी सिस्टम यूज़ ही होते हैं, तो कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होते। नाउ एडवांटेज, इट मेजर ओनली डीसी वैल्यू। ऑब्वियसली इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये एसी वैल्यू को मेजर नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैंने एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल में पहले वाले इसके पार्ट में कर चुका हूँ, आप चाहो तो उसको पूरा दोबारा से व्यू कर सकते हो। तो ये क्या, इसका लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ एवरेज वैल्यू को रीड करता है, आरएमएस यानी एसी वैल्यू को भी रीड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उसका एजिंग इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग, कहने का मतलब है कि जो आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम जो स्प्रिंग यूज़ करते हैं, वो समय के साथ लंबे समय में जाके उसकी स्प्रिंग जो है अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ करता है, तो ऐसे में उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, सही नहीं रह पाती, वो बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ एजिंग इफेक्ट, यानी एज के अनुसार स्प्रिंग अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ करता है। एंड अगेन इट्स डिसएडवांटेजेस, इट इज़ कॉस्टली, ये कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमआई इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में ये कॉस्टली होते हैं। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जरूर हो रहा है कि बाहर कुछ चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर इन चीज़ों को आप चाहो तो बहुत ही अच्छे से रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे जैसे लग रहा है अब तक मैंने जिस इन चीज़ों को जितना भी समझाया हूँ। अगर आप इसके यहाँ पे एक्सप्रेशन डिस्टेंस इनटू एफ को या डब्ल्यू विड्थ और फोर्स को नहीं समझ पा रहे, तो इस चीज़ को मैं आगे डिस्कस करता हूँ एक बार, और आप इन चीज़ को देखें अच्छे से एक बार ध्यान से। मैंने आपको बताया कि पीएमसी का टॉप व्यू अगर देखो तो ये रहता है ऑब्वियसली, और इसी के स्पिंडल होते हैं यहाँ पे, और इसी से पॉइंटर अटैच होता है, यहाँ पे स्केल होते हैं। अगर आप देखो तो यह यहाँ से यहाँ तक का एक ये डिस्टेंस जो है, लेकिन कोर तो इतना ही दूर है जो ये इस पे लपेटे होते हैं क्वाइल्स अगर, तो ये दूरी जो होता है यही डब्ल्यू होता है जिसको मैंने बताया। तो लेकिन हाफ सेक्शन के लिए, लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए बोलूँ तो डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा और डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा। ये है पीएमसी के रिगार्डिंग वेट के उसका विड्थ के रिगार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।